हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो हम प्रश्नावली 4.3 कर रहे थे उसका मैं आज वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे बोल रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मोल हो। अब देखो, यहाँ पर अपन ने जो कल के वीडियो में हमने देखा था, कल जो हमने क्लास ली थी, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तीन कंडीशन बताई थी ना, जो हमने विविक्त कर निकाला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला आपको याद होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर यहाँ पर अगर जीरो, तो ये कंडीशन कब बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो वाली कंडीशन कब बनती है, जब मूल क्या हो, जब मूल की प्रकृति कैसी हो, बराबर मूल हो, है ना। तो यहाँ पर आपको पहले से गीवन है, पहले से आपको दिया हुआ है कि मूल बराबर है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आपको दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3 और बराबर में आपको दिया है 0। हम इसका तुलना करेंगे और तुलना हम कैसे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा आपका बी एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा सी और बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर ए बराबर आपको दिया है 2, बी का मान यहाँ पर आपको दिया है k और सी का मान आपको दिया है 3। और अपने को मान काय का निकालना है, अपने को k का मान निकालना है ना, k का मान यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो आपको समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, उसकी तुलना मानक रूप से करते हैं। मानक रूप से तुलना करने के बाद में हम a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेते हैं ना। तो ये आपको आसानी से सीख गए होंगे कि जो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है वो a का मान है, जो x के साथ में k है वो b का मान है, और जो सिंगल किसी के साथ भी नहीं है, x के साथ में नहीं है, वो ये c का मान है ना। तो a b c का मान निकालने के बाद में यदि आपको दिया है उसने कि दो, इसके दो मूल बराबर हो, तो बराबर है तो अपने को पता है कि अपन वैल्यू रखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b का मान क्या है आपका k, तो k का स्क्वायर कर देना माइनस 4 आ जाएगा इंटू ए, ए का मान क्या दिया आपको 2, ए बराबर आपको दिया है 2 और सी का मान कितना दिया इंटू में 3 दिया और बराबर में कितना 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 × 8 आपको कितना जाएगा, गुणा कर दो 4 × 8 और 8 दिया 24, तो जाएगा 24 और बराबर में क्या आपका 0। अब यहाँ पर जो के स्क्वायर बराबर, ये जो माइनस का 24 से बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24। आपको k का मान चाहिए तो ये k स्क्वायर, तो ये रूट अंडर रूट लग जाएगा 24 में। अब 24 जो है आपको 24 का फैक्टर कर लो, 24 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 4, 2 × 12, 2 × 3 = 6 और यहाँ पर जाएगा आपका 3 × 3। तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो, देखो कितने कितने पेयर, ये दो दो का एक पेयर बना और ये 3 × 2 है। तो जब सेम संख्याओं का एक जोड़ा बन जाता है, जैसे 2 × 2 तो 1 × 2 इससे बाहर जाता है। मतलब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आप इसको अंडर रूट 24 को ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे 2 × 2 और ये हो जाएगा 2 × 4 और ये हो जाएगा आपका 3 × 6। तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 3 × 6 यहाँ पर आप लिख सकते हो ना। अब आपको पता है कि 4 काय का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, तो 1 × 2 क्या आ जाएगा, ये k बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 और अंडर रूट में बच जाएगा आपका 6, है ना, अंडर रूट में क्या बच जाएगा 6। तो ये आपको ये जो 24 है, 24 को आप ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस अंडर रूट में 6। तो यहाँ पर k का मान आ जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस टू और अंडर रूट में जाएगा 6, है ना। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा नीचे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ये आप इसका फैक्टर कर लेना, गुणनखंड कर लेना 24 का, तो k बराबर अपन लिख सकते हैं अंडर रूट में 4 × 6, 6 × 6 कितना हो जाएगा 24। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2 और ये अंडर रूट में क्या बच जाएगा 6, लेकिन ये वर्ग किया है अपन ने, वर्गमूल निकाला, इसलिए प्लस माइनस 2 √6, ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी और ये आपको मिल जाएगा कि इसके मूल क्या है, बराबर है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, ध्यान से देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है। वापिस से हम अगला क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिया है के एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 प्लस का 6 और बराबर में कितना दिया है 0। सबसे पहले हम के एक्स का गुणा एक्स में करेंगे, तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 kx और प्लस का कितना है 6 और बराबर में कितना है 0। तुलना करो मानक रूप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का c बराबर 0 से। यहाँ पर देखो a का मान, a की वैल्यू की तुलना करेंगे, a बराबर है आपका k,
बी बराबर है आपका माइनस का 2k, है ना, यहाँ पर 2k भी रखना है बी के साथ में, और सी बराबर यहाँ पर आपके वैल्यू है 6 है ना, यहाँ पर 1 कितना है आपका 6 है, ये 6 है। अब वैल्यू पुट कर दो, वही इकाई में वैल्यू पुट करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 में अपने को पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि मूल अपने को पहले से बराबर यहाँ पर दिए है ना, तो मूल बराबर हो तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। बी का मान देखो क्या है, बी का मान आपको दिया है माइनस का 2 के और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ए का मान कितना दिया है, ए का मान भी अपने को के दिया है, ए बराबर भी अपने को क्या दिया है, के दिया है, और सी का मान कितना दिया है, 6 दिया है और बराबर में कितना है 0। इसको ओपन कर लो, सबसे पहले माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 × 4 और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ये माइनस का गुणा करेंगे माइनस 6 × 24 के और बराबर में कितना है 0, तो ये 4 के स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 4 के स्क्वायर बराबर आप जाएगा आपका 24k, है ना, k से इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी, है ना, एक के यहाँ पर उठ जाएगा तो ये बच जाएगा k बराबर आपका जाएगा 24, ये जो 4 गुणा में बटन पहुंच जाएगा 4, तो k बराबर आ जाएगा आपका 4 × 24, तो ये k का मान कितना जाएगा 6 आ जाएगा। मूल बराबर है तो पहला भी आपका 6 आएगा और दूसरा भी आपका 6 ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों मूल बराबर है, पहला मूल आपका 6 है तो दूसरा भी 6। ये फिर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, 4k स्क्वायर बराबर अगर आपका कितना है 24k है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 × k × k, क्योंकि k स्क्वायर है तो k को अपन दो बार गुणा कर सकते हो, और ये क्या जाएगा 24 के, अपने को एक k का मान चाहिए, बाकी 4 और ये जो k है ये बराबर को उधर ले जाओ आप, तो k बराबर हो जाएगा आपका 24k और बटे में क्या जाएगा आपका 4 और इंटू में क्या जाएगा k, एक k से k कट जाएगा और 24 काट देंगे 4 से, 4 × 4 = 24, तो फिर से k का मान क्या जाएगा 6 है ना, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, है ना, यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आपको डेली इस तरह के जो वीडियो चाहिए तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। आपको यदि 10वीं में पूरे अच्छे मार्क्स लाना है, 100 में से 100 नंबर लाना है, तो इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप 10वीं में मैथ्स के अंतर्गत 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो ओके बच्चों, जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर, और अच्छे से पढ़ते रहिए क्योंकि अब पढ़ाई का दौर शुरू हो गया है। जय हिंद, जय भारत।